ये है कि जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता था। यहाँ पे चाट बहुत अच्छा बनाया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये है शरीफा, जिसे कि सीताफल भी बोलते हैं। और ये जो फल है ये बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी फल होता है। जिस तरह से जामुन, लीची, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही कम दिनों के लिए आती है, उसी तरह से ये भी है। लेकिन यहाँ ये भरपूर मिल जाता है इस सीज़न में। और हम लोग आए थे अभी मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक के लिए। पूरा बारिश हो रहा है, लेकिन अभी जो है वो बारिश होना शुरू हो चुकी है। और अभी हम लोग को घर से निकले बस 5-7 मिनट ही हुए हैं, तो देखते हैं कितनी देर और हम लोगों को रुकना पड़ता है। देख रहे हैं जोरदार बारिश हो रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, इतनी जोरदार बारिश हो रही है। हम लोग टहलने के लिए निकले थे पर वो अधूरा रह गया। बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही है, बारिश तेज है और इतनी तेज बारिश हो रही है कि घर भी नहीं जा सकते। और घर से तो अभी बहुत ही कम दूरी पे है हम लोग। बहुत तेज बारिश हो रही है, आवाज आप लोगों के पास पहुंच ही रही है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे घर पे। और बहुत दिनों के बाद हम लोग निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए, इसी बारिश के चक्कर में लग रहा था अब निकलेंगे, लेकिन बारिश का जो है हाल यहाँ पे बहुत ही अलग है। तो इसी वजह से हम लोग आज आए थे। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा था इसीलिए, लेकिन नहीं हो पाया आज भी नहीं। तो देखती हूँ फिर हम लोग किस दिन आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और ये क्लिप है जितिया के पारण के दिन का ही। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुशी किराए मटर की पकौड़ी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कुशी किराए लिए, उसमें गेहूं का आटा डाला, उसके बाद प्याज डाले हैं छोटे टुकड़ों में कटे हुए, हरी मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है, और उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं वो अदरक लहसुन वाले पेस्ट, जिसमें कि काली मिर्च भी है, हरी मिर्च भी। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये चावल के आटे वाला घोल, जिसे कि आप लोगों ने देखा ही था कि कुशी किराओ वाले झोर में मैंने डाला था। और उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसका जो बैटर है वो ना ही ज़्यादा पतला रहेगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बैटर जो है वो थोड़ा सा पतला हो गया था, क्योंकि मैंने एक बार में ही पानी डाल दिए थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालें और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा आटा ऐड किया है, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसकी पकौड़ियाँ भी बना लेते हैं। और अगर आपको छोटे छोटे वाले पकौड़े बनाने हैं तो आप इसका बिल्कुल टाइट सा डो बनाइए, जिस तरह से और पकौड़ियों के डो बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल चढ़ा रखा है, वो भी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ पकौड़ियाँ। और इस तरह से कढ़ाई में जाते के साथ ही ये बिल्कुल फैल जाती हैं। और इसे बस मीडियम आँच पर इसे कुरकुरा होने तक सेक लेना है, और बहुत ही टेस्टी यम्मी वाली पकौड़ी बनती है ये। तो इसमें आप चाहे तो छोटे छोटे आलू भी डाल सकते हैं। और उस दिन के बाद मैंने फिर उस दिन शाम में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जितिया का पारण था। तो जितिया का पारण का ब्लॉग मैंने नेक्स्ट डे डाला था, और फिर फ्राइडे को भी मैं नहीं कोई ब्लॉग बना पाई थी। और अब हम लोग आ चुके हैं सैटरडे के दिन, और शाम में हम लोग निकले थे सैटरडे को फ्रूट्स वगैरह ख़रीदने के लिए और कुछ वेजिटेबल्स ख़रीदने के लिए, क्योंकि मुझे एक खास रेसिपी बनानी है इसीलिए। लेकिन यहाँ पे गोलगप्पे वाला ठेला दिख गया, तो हम लोग रुक गए और गोलगप्पा खाने लगे। और यहाँ पे हम दोनों के हाथों में कटोरी पकड़ा दी गई है, तो उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए आए थे, लेकिन सब्जी के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें भी शॉपिंग हो गई है। और अभी हम लोग पहले तो रोड पे
गोलगप्पा खा करके आ रहे हैं। और अभी यहाँ पे देख गया चाट वाला, तो पतिदेव जी का मन हो गया चाट भी खाने का, मेरा नहीं। मेरा मन नहीं हुआ। झूठ मत बोलिए, आप ही बोले, ये बोले कि यहाँ पे चाट बहुत अच्छा बनाया जाता है। तो मैं भी रुक गई हूँ और अभी हम लोग चाट ट्राई करेंगे, यहाँ का फर्स्ट टाइम इतने दिन में, तो देखते हैं यहाँ पे का चाट किस तरह का रहता है। तो हम लोग निकलते हैं कि थोड़ा वॉकिंग शॉकिंग होगा, लेकिन वॉकिंग शॉकिंग के साथ साथ कुछ खाना पीना भी हो जाता है। तो लगभग जब भी हम लोग निकलते हैं यही सारी चीज़ें होते रहती हैं। वेट लूज के लिए निकलता है आदमी, वेट गेन करके जाता है। नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं पत्ते के दोने में आ चुका है चाट, और चटपटी सी चाट देखकर किनके मुंह में पानी आ गया ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि गोलगप्पा चाट अचार ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के ना खाने का बिल्कुल मन हो ही जाता है। तो देख सकते हैं कि पतिदेव जी यहाँ पहले टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी। पाँच बजे हम लोग गए थे और 6:30 बजे आए हैं। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करके, थोड़ा बहुत खाना पीना खा करके हम लोग आ चुके हैं। तो अब थैले से सारा सामान निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो गई हैं। और मार्केट जाने के बाद यही होता है हमेशा, हम लोग जाते हैं कुछ की खरीदारी करने के लिए और आ जाते हैं बहुत सारे सामान। वैसे फ्रूट्स की दुकान में तो जाना था, क्योंकि नारियल पानी जो है यानी कि डाब वो खत्म हो चुका था। तो वहाँ जाने के बाद कुछ और चीज़ें दिख गई तो हम लोग लेकर के आ गए। और सामने पास में ही है नमकीन वाले की दुकान, तो वहाँ से हम लोग लेकर के आ गए ये नमकीन वाली सेव। तो ये तो रहा नमकीन सेव, और साथ ही साथ मैं लेकर के आई हूँ फर्स्ट टाइम ये ड्राई कीवी, क्योंकि फ्रेश कीवी जब लेकर के आती हूँ तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और हम लोग से ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो इसी वजह से मैं इस बार लेकर के आई हूँ ड्राई कीवी, और ये स्वीट्स खाने का बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि जब भी हमारा मीठा खाने का मन होता है तो हम लोग कुछ आलतू फालतू चीज़ें खा लेते हैं। और ये ना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे हमेशा चॉकलेट्स वगैरह की डिमांड करते रहते हैं, तो आप बच्चों को आसानी से दे सकते हैं इस तरह की चीज़ें, जैसे ड्राई कीवी हो गए, ड्राई पाइनएप्पल हो गए। और घर में हमेशा रखने से ये होता है कि जब भी खाने का मन किया तो हम लोग खा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ चॉकलेट्स भी लाए हैं, बस एक, और दो बिस्किट के पैकेट हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी वाले हैं ये। लेकिन ये सारी चीज़ें कम ही खानी चाहिए, इसलिए मैंने बहुत थोड़े से लाए हैं। और कभी कभी मन ऐसा हो ही जाता है कि ये सारी चीज़ें खाने का मन कर जाता है, तो उन्हीं चीज़ों में से एक है ये पिस्ताचियू, और ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो नमकीन के लिए मैं हेल्दी ऑप्शन में ये रखती हूँ, मखाने वगैरह फ्राई करके रखती हूँ, और अभी ड्राई कीवी लेकर के आई हूँ, तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कभी कभी। तो उस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें खाने के लिए बहुत बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और बच्चों को देने में भी कोई नुकसान नहीं है, तो बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। तो यहाँ पे अब वेजिटेबल्स निकाल रही हूँ, और देख सकते हैं कि ये प्याज के हरे वाले पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अभी प्याज के ये जो पत्ते हैं वो थोड़े से महंगे हैं, अभी थोड़ा सा ही बस रहता है और 20 रुपये का एक मुट्ठा आता है। तो प्याज के पत्ते मैंने लेकर के आए हैं, और साथ ही साथ गोभी है, और भी थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे गाजर है, बीन्स है, साथ में बीटरूट है, टमाटर है, और इतनी सारी सब्जियाँ आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग ज़रूर गेस करके बताइएगा कि मैंने इतनी सारी सब्जियाँ क्यों लेकर के आई हैं, और इसकी कौन सी स्पेशल वाली रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जा कर के ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे कंप्लीट, और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सी रेसिपी, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ, जिसकी डिमांड मेरे एक सब्सक्राइबर हैं आकांक्षा कुटवियार, उन्होंने की है,
और यहाँ पे देख सकते हैं बारिश की स्थिति बहुत ही ज़्यादा तेज वाली बारिश हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ बारिश होती रहती है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।